हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 AM हॉरर रिचुअल्स ट्राई करके आपको ये दिखाया था कि ये सब फेक होता है और इनको करने से कुछ भी नहीं होता। पर मेरी उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये वाले रिचुअल्स तो कुछ भी नहीं है, सबसे खतरनाक रिचुअल है एलिवेटर रिचुअल, और अगर आप में दम है तो वो करके दिखाओ। और मेरी प्यारी दोस्त भूतों की एक्सपर्ट निशु का भी मानना ये है कि ये रिचुअल सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये मुझे नहीं करना चाहिए। पर आज की वीडियो में मैं ये वाला रिचुअल करके भी दिखा दूंगा कि ये भी फेक है। भाई कौशिक, तू ना हर चीज को मजाक में मत लिया कर, ठीक है? मैं अभी भी बता रही हूँ, ये बहुत ही डेंजरस रिचुअल है। तू मुझे ये बता, ये रिचुअल है क्या और इसमें क्या करना होता है? मैं तो बता दूंगी, तू सोच ले अभी भी। केबीसी के अमिताभ बच्चन मत बन, लॉक कर दूं, सोच लिया, लाइफ लाइन ले लो, सीधा सीधा बता ये एलिवेटर रिचुअल क्या है। एलिवेटर मतलब होता है लिफ्ट। ओके, मतलब ये जो रिचुअल है ये इसमें कोई लिफ्ट ऑपरेटर मर गया था लिफ्ट में, उसके ऊपर है। ऑपरेटर वो ऑपरेटर नहीं था, ये एक रियल लाइफ गेम है जिसे खेलकर कोई भी इंसान अपनी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकता है, मतलब कि मरे हुए लोगों की दुनिया में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। तुझे मजाक लग रहा है सच में? भाई इतना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है भाई, जापान और कोरिया में ये बहुत ही फेमस रिचुअल है। कि रुक जा, मैं तुझे दिखाती हूँ। अभी वहाँ पे कोई अलीजा नाम की लड़की थी, उसने ये ट्राई किया था, उसकी हो गई थी। नहीं, अरे हाँ, न्यूज में भी यही आया था कि वो ये रिचुअल करते हुए उसकी जान गई थी और उसकी बॉडी किसी टैंक में मिली थी। कितने साल की थी वो? ये भाई, ये लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, निशु जैसे लोग और बाकी और भी यूट्यूबर्स हैं, बाहर के भी यूट्यूबर्स हैं, जो ये बहुत ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा कर डराते हैं। आज पता चलेगा सच में रिचुअल क्या है, क्या बकवास है ये सब। अगर तुझे ये बकवास लग रहा है, मैं तेरे को अभी कह रही हूँ, न्यूज चेक कर ले, ये देख ले। 2013 की न्यूज है। सिसिल नाम के होटल में एक अलीजा नाम की लड़की थी जिसने इस गेम को खेला और फिर उसकी डेथ हो गई और उसकी बॉडी जो है वो टैंक में मिली, और ये इंटरनेट पे वीडियो भी पड़ी हुई है उस लड़की की। कहानी बहुत बढ़िया है, मजा नहीं आया इसलिए मैं ट्राई करके देखूंगा। अच्छी कहानी है। तो गाइस, अभी निशु ने खोल लिया वेबसाइट जहाँ से ये सारा सिस्टम जो है वायरल हुआ है। यहाँ पे ना भाई क्लियरली लिखा हुआ है कि ये मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल रिचुअल है, और अगर किसी ने इसको ट्राई किया और उसको कुछ भी हो गया तो दूसरे वर्ल्ड से वापस आने का कोई तरीका नहीं। फोन लेके जाऊंगा। यार अबे उधर रह गया, तो वीडियो भी तो अपलोड करनी है, इंस्टा चलाना, रील भी तो डाल पाऊंगा। मतलब मैं तेको समझा रही हूँ कि मत कर, तुझे अभी भी ट्राई करना है। अरे ऑब्वियसली, और क्या, कैमरा लगा के मस्ती करने बैठूं क्या? ठीक है भाई, तू अपने जान जोखिम में डालना चाहता है तो खेल, आ जा मैं बताती हूँ तुझे। देख, इसे खेलने के लिए सबसे पहले तुझे एक 10 माले की बिल्डिंग चाहिए, ठीक है? और उसमें जाना है जिसमें लिफ्ट हो। बिल्डिंग का इंतजाम मैं कर लूंगा, तू बस चल मेरे साथ। तेरा ही तो डर निकालना है, तू मानती है, इसलिए ही तो तुझे लेके जाना है, आज तेरा ही तो डर निकालना है, चल। तो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 12 और फाइनली बिल्डिंग का इंतजाम मैंने कर लिया। बस दिक्कत यह है निशु कि जो बिल्डिंग का इंतजाम हुआ है वो हुआ है ग्रेटर नोएडा में, और हमें अभी द्वारका में। बिल्डिंग भी मिली है तो इतनी दूर मिली है तेरे को? भाई यहाँ नहीं है कोई लिफ्ट वाली बिल्डिंग जिसमें 10 फ्लोर हो, तो मैं क्या करूँ? और सही भी है ना, 2 घंटे लगेंगे जाने में, मतलब 3 बज जाएंगे, और भूतों का ऑनलाइन आने का टाइम भी वही है। ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने भूतों का टाइम भी, ड्यूटी का टाइम भी फिक्स कर रखा है, करीब 12 से 3 की ड्यूटी होती है। यार तुम खुद बता दो कमेंट करके, 12 से 3 कौन नहीं कहता? बड़े लोग भी कहते हैं कि भाई इस टाइम पे आत्माएं, प्रेत ये सब होते हैं, दिखते हैं। एक बात तो गलत है, हम इंसानों की ड्यूटी होती है 8 घंटे, वो 3 ही घंटे ड्यूटी करते हैं, ये तो गलत है भाई। बहुत टाइम लगेगा, मेरे ताकत नहीं तेरे मुंह लगने। अच्छा, ये भूत जो है वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं कि कभी घर से कुछ छोटा मोटी हवा भेज दे? हर चीज को मत लिया कर यार, अभी तू भी ले लेगी मजाक में, जब तू देखेगी सब मजाक ही है। चलो तो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 2:33 और फाइनली हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पे हमको आज का ये भूतियापा करना है। जैसा कि आप देख सकते हो 2:30 बज रहे हैं, मतलब भूतों का पीक आ रहे है, सारे भूत हाईली एक्टिव हैं। कमरिया
मान जा यार, मत कर, बहुत डेंजरस है। तुझे ये सब कौन भका रहा है, ये सब बातें भाई बोलता मेरे है? को डर लगता है इन सब चीजों में। देख भाई एक चीज दिखाते तेरे को, देख इस वेबसाइट में ना क्लियर लिखा हुआ है कि अगर इस रिचुअल को ट्राई करते वक्त किसी को कुछ भी हो गया तो दूसरे वर्ल्ड से वापस आने का कोई तरीका नहीं। तो इसलिए तो मैं तुझे साथ लेके चल रहा हूँ, दूसरे वर्ल्ड में तू साथ रहेगी तो क्या दिक्कत है। खुद तो जाएगा, मुझे भी लेके जाएगा। भाई तू और मैं साथ अपना उधर ही वीडियो बनाएंगे भूतों के लिए, उनको भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना। सोच कितने सब्सक्राइबर होंगे, कोई और यूट्यूबर होगा न्यूज़ वर्ल्ड में। क्या बात है, चलो तू और बताते रहना क्या करना है। तो गाइस फाइनली हम एक्सीलेटर के पास पहुंच गए हैं। एक्सीलेटर कहते हैं और एलिवेटर होता है, हाँ, लिफ्ट। लिफ्ट के पास फाइनली हम पहुंच गए हैं और अब टाइम है अपना चैलेंज शुरू करने का। तो बता क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले ना बटन प्रेस करके लिफ्ट को बुलाना और गलती से भी डाउन बटन नहीं दबाना। डाउन बटन दबाने से क्या होगा भाई, ये रिचुअल्स है इस चीज के। तो ठीक है आप दबा दिए गाइस, लिफ्ट आ गई। फाइनली हम लिफ्ट में आ गए हैं, लिफ्ट बंद हो गई है और अब हम तैयार हैं अपना रिचुअल करने के लिए। तो तैयार है निशु? हूँ तो नहीं, बट अब जब आई गई हूँ तो कुछ को ऑप्शन है क्या मेरे पास? बताइए फिर प्रक्रिया क्या है। अब तुझे ना फोर्थ फ्लोर का बटन दबाना है, ठीक है? चौथे फ्लोर पे जाना है, ठीक है? चल गी। बाकी यूट्यूबर्स की देख रहा था, उनके तो इतनी देर में तो सिस्टम बन जाता था। यहाँ तो हमारा सही चल रहा है, स्मूथ काम हो रहा है। वो वाला इफेक्ट लगा देना। अपनी ना बुद्धि नहीं लगानी जरा, जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे ही करेंगे। ठीक है उतरना नहीं है, मतलब बटन दबाते रहना। हाँ क्या पता भूत यही एक्टिव हो, लोबी में घूम रहा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। यार कोचिंग मत कर यार। ठीक है आगे बता। आ गया, अब तुझे सेकंड फ्लोर का बटन दबाना है। हे भगवान, अब सेकंड पे जाना है। ये ना नॉर्मल नंबर्स नहीं है, ठीक है? ये उस स्प्रिट को बुलाने के लिए कोड्स हैं। ओ माय, ठीक है, जैसे फोन का पासवर्ड होता है। भूतों ने पास बहुत सिक्योरिटी कर रखी है अपनी। सेकंड आ गया। भूल गई का, अब यहाँ भी नहीं उतरना। ओ भाई देख एक चीज देख रहे हैं, जैसे मैं सेकंड फ्लोर पे ना इसी से तड़क गया यहाँ से। ओ भाई साहब सच्ची में, देखो गाइस ऐसे ही करते हैं वो यूट्यूबर जो डराते हैं ना आपको। देखो सही में। हाँ अबे पहले से तड़का हुआ था यार। सिक्स फ्लोर का बटन दबा। ये भूत से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट भी लगा रखा है। वी हियरबाय नोटिस यू दैट देयर आर मेनी भूत, एंजॉय द भूत हाबा। ऊपर भूतों के रेस्टोरेंट नहीं बनाया, भूत रेस्टोरेंट। सिग्नेचर है दो तीन भूतों के, देख। अरे तू जो ऐसे उतरने लगता है ना, इस रिचुअल में ना स्प्रिट तेरे को कहीं भी अचानक से दिख सकती है। और अगर तेरे को कोई ऐसे भी नॉर्मल भी बंदा दिखे तो ये मत समझो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है भाई, स्प्रिट कैसे भी आ सकती है। ठीक है तो छठे फ्लोर पे नहीं उतरना, अब कहाँ चलना है बताइए। अब फिर से सेकंड फ्लोर का बटन दबा। अरे भाई जिस तरह तू ऊपर नीचे घुमा रही है ना, भूत आए ना आए सोसाइटी वाले आके रैप टाउन मारेंगे हमें। अरे यार क्या है ये एलिवेटर रिचुअल, ऐसे ही होता है कौशिक, ये नॉर्मल नहीं। तो मुझे ये रिचुअल समझ नहीं आता, एलिवेटर रिचुअल पाद मारा मैंने। हाँ पाद की बात थी यार, तू पागल है। अब भूतों को देख के खुशी तो निकलती है। आगे का प्रोसेस बता, ये सब डिस्टर्बेंस पर ध्यान मत दे। अब हमें 10th फ्लोर पे जाना है, 10th वाला बटन दबाना। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट है ये बटन, सबसे रिस्की, सबसे खतरनाक, डेंजरस, जो मर्जी कह लो, सारे नेगेटिव वर्ड्स इसके लिए। 10वां, हाँ। इससे क्या होता है? इससे क्रंची बनती है। क्रंची? इससे क्या होगा? इससे भूत वो ध्यान भटक। ओह माय गॉड, भूतों का ध्यान भटक जाएगा इससे। यार मत कर, मुझे बहुत डर लगता है। क्रंची तोड़ो अपनी, क्रंची तोड़ो, वरना आएंगे ही नहीं। फिर कहेगी इसलिए नहीं आया मैंने क्रंची। ओह देखूं लूं, देखो बहुत नहीं जाना नहीं पड़ा। हम लिफ्ट चला क्यों रहे जब हम उतरना ही नहीं है? बंद हो गई। हाथ डालते तो रुकती है ना, हाथ डालते तो रुकती है ना। अरे इसमें नहीं होगा वो सेंसर यार, इतनी बेसिक सी बात है। अबे इतनी बड़ी बिल्डिंग में सेंसर नहीं होगा। तुझे यहाँ करना है ना वो करें, इंजीनियर मत बन। मैं करें,
मैं कर नहीं हूँ यहाँ पर, ये मेरा तो चैनल बढ़िया चल रहा है। किस काम के लिए बुलाया गया यहाँ? सुन, ये बताने के लिए प्रक्रिया अब ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ठीक है कि अब हमें जाना है, फिफ्थ फ्लोर का बटन दबाना है ठीक है, लिफ्ट जाके फिफ्थ फ्लोर पर रुकेगी, वहाँ हमको एक लेडी खड़ी मिलेगी। लेडी इस टाइम क्या कर रही है वहाँ? भाई वही तो स्प्रिट होगी। अच्छा, अब भाई जल्दी दबा। और वहाँ पहले पहले पता पूरी प्रक्रिया ठीक है, वहाँ पे ना एक औरत खड़ी मिलेगी, वो एलिवेटर में आ भी सकती है और नहीं भी, उसकी मर्जी है, वुमेन की भी तो मर्जी है यार, इक्वालिटी वो चीज। आगे तो सुन ले, वो इंसान नहीं एक स्प्रिट होगी ठीक है, उससे किसी भी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं करना। क्यों बात करेंगे हम, कोई औरत अगली बात नहीं कर रही है, हम क्यों करें? पर अगर वो बात करे तो? अबे साले, किसी भी हाल में तुझे कोई इंटरेक्शन नहीं करना। नहीं, वो सामने से कुछ बोले, कैसे हो भाई साहब? कुछ भी जवाब नहीं देना है। औरत को यार ऐसा गलत नहीं लगेगा कि हम वो बात कर रही हैं, हम जवाब नहीं दे रहे? भाई वो स्प्रिट है, तुझे फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करना होगा। अगर लिफ्ट फर्स्ट की जगह वापस टेंथ फ्लोर पे आती है तो भाई इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा ये रिचुअल सक्सेसफुल हो गया। अबे ये कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही, कौशिक सक्सेसफुल हो गया मतलब हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। वही तो करना है, देखना है कि नहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। वो हमारी दुनिया नहीं होगी, वो आत्माओं की दुनिया होगी, वहाँ पे हमारे जैसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हमारा फोन, हमारी कुछ भी चीज काम नहीं करेगी वहाँ पहुँचते ही। अपलोड कैसे करेंगे वीडियो? अगर जिंदा रहेंगे तब अपलोडिंग की सोचेगा ना। फोन नीचे पकड़ा दूं किसी को, जितनी बन गई उतनी तो अपलोड कर देंगे। क्या लिखा है ये देख ले। इसमें लिखा है अभी हमें 10वें फ्लोर पे, हमें 5वें फ्लोर का बटन दबाना है। हाँ। हम वहाँ खुलेंगे तो एक बहन जी मिलेंगी वहाँ, मतलब स्पिरिट, जो भी स्पिरिट बहन जी, वो हमसे बात बात करें ना करें, यहाँ अंदर आए ना आए, हमें फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाना है। और फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाने के बाद लिफ्ट फर्स्ट की जगह 10वें फ्लोर पे जाती है, मतलब हमारा जो काम है वो ओके हो गया, सक्सेसफुल हो गया। हाँ। हम दूसरे वर्ल्ड में चले जाएंगे जहाँ हमारा फोन फोन काम नहीं करेगा, तो हम वहाँ पे चिल वगैरह कर सकते हैं। तो फोन तो चिल नहीं कर सकते, मतलब है कि ये रिचुअल सक्सेसफुल हो जाएगा, हम उनकी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ पे भूत रहते स्प्रिट्स रहती हैं, और हम वहीं रह जाएंगे, वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो तब होगा जब ये सब भूतिया पास लिए होता होगा, पर ये तो सब नकली है। तुझे कैसे पता नकली है? तेरे कहने से कोई चीज नकली थोड़ी हो जाएगी। सुन, साइंस पढ़ी है मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैंने भी इतिहास पढ़ा है, मैंने देखा कैसे आत्माएं वात्माएं होती हैं, इतिहास में पढ़ा है मैंने। इतिहास मेरा रह गया थोड़ा, इतिहास मैंने भी पढ़ा। सुन मेरी बात, पहले 5वें फ्लोर पे चलते हैं ना, आगे देखेंगे, स्पिरिट मिलती नहीं, औरत बहन जी से तो मिले पहले 5वें चल के कम से कम। 10वें से अब सीधे 5वें जा रहे हैं, कोई भी नहीं। अरे कोई है ही ना, क्या पता कोने में खड़ी हो। तो 5वें फ्लोर पे तो कोई नहीं मिला, मतलब अब क्या करना है? अब अगर हम एक का बटन दबाएंगे और लिफ्ट 10 की तरफ जाएगी तो मतलब हम दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, है ना? ये लिखा है ना, ठीक है। मेरे को बहुत डर लगता है इन सब। और ये लास्ट ऑप्शन है गेम छोड़ने का, प्लीज 1 या 10 की जगह कुछ और प्रेस करें अगर गेम छोड़ना है। हाँ, कर दे यार, कर दे कर दे, हम तो 4 पे चलते हैं। एक का है, एक ही ना है, एक ही गायब हो गया, माइनस एक है। 10 चलते हैं, 10 भी तो मना लिखा है ना उसमें, 10 चलते हैं बस। तुम 10 दबा दिया, एक फोन तो मार दूं मम्मी को, मम्मी मैं दूसरे बड़े जा रहा हूँ, अगर हो ही जाए। अगर आपका 10वें फ्लोर पे लिफ्ट खुल गई है और आप दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो बाहर निकल जाए। अरे रुकना रुकना भाई, हमें तो जाना था दूसरे वर्ल्ड में। नहीं रुक, खुल रहा है, तुझे चलना है, बता जल्दी चलना, चेक करना है दूसरा वर्ल्ड है नहीं है। मेरे को कोई ऑप्शन छोड़ा है? ये तो हमारा वर्ल्ड नहीं लग रहा निशु, ये तो दूसरा वर्ल्ड है भाई, उधर मत जा। हम दूसरे वर्ल्ड में आगे फोन चेक करते चल रहे हैं, यहाँ तो इंस्टाग्राम मस्त चलता है दूसरे वर्ल्ड में भी, और हमारे वाले वर्ल्ड से अच्छे नेटवर्क है गाइस। इस वर्ल्ड का नाम क्या है, चेक कर ले आगे जाके। तू जा, बहुत सारे कमरे बने हैं, स्पिरिट्स के होंगे, बहुत स्पिरिट रहती है इधर। भाई मेरे को वापस जाना है। क्या लिखा था उसमें, एक बार दूसरे वर्ल्ड में आ गए तो अपने वर्ल्ड में जा ही नहीं सकते, अब हम दूसरे वर्ल्ड में आ गए, चिल करो, अपना कमरा देखो, अपना कमरा देख ले कौन चलेगी। अब तुझे क्या लग रहा है, हम दूसरे वर्ल्ड में अपने वर्ल्ड में, मुझे लग रहा है यही है दूसरा वर्ल्ड, पर लाइटिंग वगैरह ठीक है यहाँ पे भी।
पर मैं तो एक ही जोड़ी कपड़े मांगा यार, कम से कम कपड़े तो लाने थे। दूसरे वर्ल्ड में मेरा चैनल भी चल रहा है, यहाँ पे मेरा चैनल खुलता है गाइस, मतलब ये भूत वगैरह मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरा चल रहा है क्या? अपना तो देख लूं जो आई हूँ तो, अपना तो इम्पोर्टेंट, मेरा भी चल रहा है गाइस। इन सबको बोल दें कि बस सब्सक्राइब कर लें हमें। भाई मैं क्यों किसी का गेट खटखटाऊं? घटिया रीच वाले भाई बच भी तो सकते हैं। अभी देखते हैं चल के अपने वर्ल्ड वापस जाके देखते हैं भाई। गाइस अभी देखते हैं। मैं बताऊं मजाक में लेता है ना, बच गए, किस्मत अच्छी होती है वही बचते हैं। आ रही है, आ रही है। ना, ना, ना। वो लिफ्ट मैंने वो दबाई, आई ये वाली, पर हम तो इससे नहीं आए थे। जिस से आए थे उसी वापस जा पाएंगे अपने वर्ल्ड में? ऐसा भी है? अपने वर्ल्ड में जाना है तो इसी से जाना पड़ेगा। नोविस वापस चली गई और क्यों नहीं दी? मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हुई है भाई। हम सच में दूसरे वर्ल्ड में तो नहीं आ गए नीचे? वो वाली आ रही है, ये नहीं आ रही भाई। वही तो नहीं है नीचे जाने के लिए। हम तो इससे आए थे ना, पर किसी भूत ने अपना नंबर भी लिख रखा है यहाँ पे। 99, 91, 92, बाकी तेरी ऐसा करके लिख दिया कुछ आगे। गाइस मैं ये वाली लिफ्ट खुला रहा हूँ जिससे हम आए थे इस वर्ल्ड में, मतलब निशु के हिसाब से हम दूसरे वर्ल्ड में हैं जैसे आपको पता है, पर वो वाली लिफ्ट खुलती है, मैं ये वाली दबा रहा हूँ और ये वाली लिफ्ट आई नहीं रही। ये देखो मैंने बटन दबाया, वो खुल गई, बटन दबा रहा हूँ इसका, और हमें जाना इसी से पड़ेगा क्योंकि हम इसी से आए थे। हो सकता है निशु आने का लिफ्ट ये हो दूसरे वर्ल्ड में और जाने की लिफ्ट वो हो। हाँ अगर हम लोग वापस ही नहीं पहुंचे तो चेक कर उससे जाते हैं वापस जाके। मैं अकेली क्यों जाऊं? भूत सारे सो रहे हैं अभी, ठीक है ना, चिल्ला मत यहां। नहीं नहीं वो लिफ्ट आ रही है, वो चेक करें उसमें देख चल के। खुल जा, वो आ तो रही है, ये नहीं आ रही। क्या है वो लिफ्ट पे कुछ लिखा हुआ है? क्या लिखा है? पैरामाउंट वाला चूतिया है साला, ये क्या लिखा है? जिसकी बिल्डिंग में गाली लिख रखी है भाई, भूत वगैरह मस्ती बहुत कर रहे हैं इनके साथ, तो उसी से चलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। निशु आए थे इससे, उससे चल रहे थे ना, क्या दिक्कत हो जाएगी इसमें? मैं जा रहा हूँ उससे। मैं नहीं यार, मैं जा रहा हूँ यार। और जो बुला रही है उसमें चलते हैं ना, वो खुली नहीं थी। आओ, वो यहाँ पे दो पोस्टर लगे हैं भाई, मेरी बात मान जा बीबी। चलें देखें ग्राउंड फ्लोर पे हम घर पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते, खुद ही बंद हो गई, मैं तो कुछ दबाया नहीं। ओ माय गॉड मैं तो पार्ट गई। क्या मस्ती कर रही है, हो गया रिचुअल पूरा? अभी नीचे जब तक मेरे को नीचे लोग नहीं दिखेंगे तब तक नहीं मानेंगे। हम तीन लोग नहीं है, वो 15 वो भैंस की आंख। ग्राउंड फ्लोर पे जा, अपनी मर्जी चल रही है भाई। कौन सा तीसरा वर्ल्ड था? मजाक में हंसना दफा। अब जाते रहिए नीचे, रुक जा। और यहाँ क्लियर लिखा है, आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए अन्य निवासियों के साथ लिफ्ट का उपयोग करते समय कुत्ते के मुंह पर मास्क का उपयोग करें। मास्क लगाना कुत्ते के मुंह पे लिखा है लिफ्ट में। जब नीचे बंदे देख जाएंगे तो मान जाएगी ये सब बकवास है, आज तो मान जाएगी। अगर हम 10 वहाँ पे फंसे थे ना, कितनी देर रुके रहे, अरे हो सकता है वो। मानू मैं तो तू भी ये मानना कि वो भी हो सकती है ना। ग्राउंड फ्लोर दबा था, कहाँ जा रही है? अब ग्राउंड ही आई है। अब मानती टेक्निकल ग्लिच है सब। ये देखो सब आ गए वापस, ये भैया भी हैं यहाँ पे। तो गाइस मैंने आपको पूरा रिसर्च करके साबित कर दिया है कि कुछ नहीं होता। आपके शायद समझ में आ गया होगा क्योंकि ये तो पागल है, इसकी तो समझ नहीं आ गई है, बहुत बड़ी डरपोक। तो अगली बार से ऐसी कोई वीडियो देखो या वेबसाइट पर पढ़ो तो उसको बस आनंद की तरह, एंजॉयमेंट की तरह लेना, उसे डरना मत, घबराना मत, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय। अब अगला रिचुअल अकेले करना, जो करना ना अकेले करना। अगर इस पे 1,00,000 लाइक हो गए तो मैं दिल्ली में जितनी हॉन्टेड जगह है जहाँ पे लोग जाकर दिखाते हैं कि हम तो डर गए, हम तो मर गए, हमारे पीछे डायन आ गई, मैं उन सब जगहों पे जाऊँगा एक ही वीडियो में, और निशु मेरे साथ जाएगी।